दोस्तों YouTube पे वाकई में यार मजाक चल रहा है। पिछले महीने YouTube ने मेरे 1200 रुपए काट लिए, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्यों मेरी अर्निंग कट की गई। कल ही दोस्तों YouTube ने मेरी एक वीडियो डिलीट कर दी, अभी तक कोई भी ईमेल नहीं आया मुझे क्यों मेरी वीडियो डिलीट की गई, क्या रीजन था। 21,000 व्यूज उस वीडियो पे हो चुके थे। दोस्तों मैंने कल ही यार ये ट्राइपॉड बनाया था कि यूट्यूब पे दोबारा कंटिन्यू वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करूंगा। यूट्यूब यार चाहता ही नहीं कि हम लोग यार खुशी से यूट्यूब पे काम करें यार, तो यार मैं बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट भी हो चुका हूँ। YouTube की आज मैं आप लोगों को एक काली सच्चाई बताऊंगा जो कि यार किसी भी यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं बताई होगी, क्योंकि यार अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर YouTube के खिलाफ आवाज उठाता है, YouTube या तो उसकी वीडियो डिलीट कर देता है या उसका चैनल कर देता है टर्मिनेट। इसलिए दोस्तों कोई भी बड़ा यूट्यूबर कभी भी नहीं चाहता कि यूट्यूब के खिलाफ वो कुछ बोले या यूट्यूब की सच्चाई आप लोगों को बताए। तो यार आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता देता हूँ यूट्यूब के, जिनकी वजह से यार हर एक यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना तो मोटिवेट करूंगा ना ही डीमोटिवेट करूंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ YouTube की सच्चाई बता रहा हूं। दोस्तों आज की डेट में YouTube पे क्या हो रहा है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, पर जो आपके व्यूज हैं, जैसे आप लोग वीडियो अपलोड करोगे आपकी वीडियो पे व्यूज नहीं बढ़ेंगे। आपके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे पर यार आपकी वीडियोस पे व्यूज कॉन्स्टेंट आएंगे या व्यूज घटने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख सकते हो, उनके सब्सक्राइबर कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं पर यार व्यूज घटते जा रहे हैं, ऐसी खुद मेरे चैनल पे भी हो रहा है। तो यार ये YouTube का एक बहुत ही बड़ा फॉल्ट है। YouTube यार खुद नहीं चाहता कि हम लोग मोटिवेट हों, जब यार हम लोग खुद ऐसा देखते हैं कि हमारी एक वीडियो पे 1000 व्यूज आए और अगले दिन जो वीडियो हमने अपलोड की उस पे सिर्फ 500 या 300 व्यूज आए हैं, तो यार हम लोग खुद एक बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों का मोनेटाइजेशन ऑन होगा और आप लोगों की फर्स्ट अर्निंग आने वाली होगी, उससे कुछ दिन पहले यूट्यूब आप लोगों के अकाउंट से बहुत ही बड़ा एक अमाउंट काट लेगा और ऐसा सभी चैनलों के साथ होता है। ये अभी तक किसी को कोई पता नहीं चला ये ऐसा क्यों हो रहा है और ना ही कभी यूट्यूब इसके बारे में कुछ बताता है। तो यार दोस्तों इस तरह से किसी भी यूट्यूबर की पेमेंट कटना ये एक यार बहुत ही बड़ा रीजन है डीमोटिवेट होने का, क्योंकि यार फर्स्ट पेमेंट के लिए $100 कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ा टारगेट टास्क होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या आप लोगों को YouTube पे अपना कैरियर देखना चाहिए। तो यार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको बिल्कुल भी YouTube पे अपना कैरियर नहीं देखना चाहिए, आपको YouTube पे सिर्फ एक पार्ट टाइम की तरह काम करना चाहिए। और अगर यार आप लोग एक स्टूडेंट हो तो पहला काम है आपका अपनी स्टडी पे आप लोग फोकस करो। तो यार आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी जो मैंने यूट्यूब के बारे में कुछ भी आप लोगों को बताया है। तो यार वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।